नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेएन एग्रो न्यूज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रैक्टर से कल्टीवेशन कर रहे हैं मूंगफली के अंदर, उसका सारा वीडियो, उसकी सारी जानकारी देंगे, फसल कितने दिन की है, किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो दोस्तों, हम सेकंड बार इसमें इंटर कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी खरपतवार हटाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी ट्रैक्टर के द्वारा। पहले हमारे पास बाइक का जुगाड़ था तो इसमें काफ़ी परेशानियां होती थी, जैसे कि बाइक कभी ऑपरेटिंग में दिक्कत हो जाता था, अच्छे से वर्क नहीं करता था और उसमें टाइम भी लगता था। हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, यानी टुकड़ों में है, तो तकरीबन 10 हेक्टेयर के समथिंग ज़मीन है, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं 1 हेक्टेयर हैं, कहीं 2 हेक्टेयर हैं, तो ऐसे में लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी बाइक वाले जुगाड़ में, तो फास्ट काम नहीं होता था। अभी क्या है, हमने इस साल ट्रैक्टर के टायर और कल्टीवेटर खरीद लिए हैं, यानी टायर का जो प्राइस है वो 30,000 के समथिंग है, आपके अपने लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे हैं कि टायर क्या प्राइस में ख़रीदें आपने, तो टायर अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट में आते हैं, आप अपने लोकल मार्केट में डीलर से संपर्क कर रहे हैं वहाँ से खरीद सकते हैं। तो 30,000 के तो हमने टायर खरीदे हैं और 25,000 का कल्टीवेटर ख़रीदा है। कल्टीवेटर मध्य प्रदेश के बूढ़ा का बना हुआ है, इसके पीछे कॉन्टैक्ट नंबर सारे लिखे हुए हैं। तो 3 टायर हैं, 2 लाइनों के बीच में चलता है, अच्छा खरपतवार हटाता है, और दोनों साइड में फोल्डिंग है। अगर जो हम जो मशीन सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो साथ में कहीं मिल जाते हैं लाइनें, कहीं ज़्यादा गैप हो जाता है, तो उसी को बचाने के लिए यहाँ फोल्डिंग वाला कल्टीवेटर हमने ख़रीदा है। और ये 6 लाइनों वाली मशीन में सक्सेस है, अगर 5 लाइन की मशीन है तो उसमें आपको जुगाड़ काफ़ी अलग सेट करना होता है, कल्टीवेटर एडजस्टमेंट हो जाता है, टायर को बाहर निकालने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 55,000 के तो हमारे टायर और कल्टीवेटर हो चुके हैं, इसमें आगे के टायरों में भी 2,000 का खर्चा किया है। इसके अंदर हमने 2 लोहे के रिम लगाए हैं, प्लेटें बनी हुई हैं 1.25 इंची के, और जो सारे नट बोल्ट हैं उसको भी चेंज किया है, 3 इंची लंबे आगे फ्रंट व्हील में बोल्ट डाले हैं, यानी 57,000 का कुल टोटल खर्चा हो गया है। तो कभी फास्ट काम हो रहा है अभी। यहाँ पर देखिए, आज हम इसमें मूंगफली में सेकंड बार इंटर कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी खरपतवार हटा रहे हैं। पहले इसके अंदर हमने मूंगफली की जो फसल है, मूंगफली की, उसके अंदर हमने खरपतवार हटाया था, तो तकरीबन हमें 5 या 6 घंटे का टाइम, उससे भी कम समय में हमने निकाल लिया था। जब फसल छोटी थी उसमें ट्रैक्टर थोड़ा धीरे चलता है, लो के हम फोर्थ यानी लो के टॉप में हम इसको चला रहे हैं, आप हाई के फर्स्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर बड़ी फसल है तो। सबसे सावधानी रखनी है आपको, जो थंड टायर हैं उसको दोनों लाइनों के बीच में रखना है, अगर टेढ़ा मेढ़ा चलाओगे तो बीच वाला व्हील भी टेढ़ा चलेगा और पीछे जो कल्टीवेटर है वो भी टेढ़ा चलेगा और फसल उखड़ जाएगी। तो आपको बिल्कुल सीध में दोनों लाइनों के बीच में इसको चलाना है, तभी आपका अच्छा चलेगा। डीजल की खपत की बात करें तो 1 लीटर में 1 बीघा यानी 2 लीटर के समथिंग प्रति एकड़ यहाँ पर निराई गुड़ाई हो सकती है ट्रैक्टर के द्वारा। और यहाँ पर जो फसल है ये 20 दिन के आसपास की हो चुकी है, 10 दिन की जब फसल थी हमने पहला इंटर कल्टीवेशन किया था, अब दूसरा कर रहे हैं, और तीसरा संभव होगा अगर तो तीसरी बार भी हम इसके अंदर वीड कंट्रोल का कार्य करेंगे। तो बहुत अच्छा है, दवाइयों का खर्चा बच जाता है, और काफ़ी महंगी दवाई आती हैं वीड कंट्रोल के लिए, उससे अच्छा है आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप बाइक वाला जुगाड़ अपना सकते हैं और मिनी ट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इम्प्लीमेंट हैं जिसको यूज़ करके आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इस साल ट्रैक्टर का टायर कल्टीवेटर से वीड कंट्रोल कर रहे हैं, और इसकी सारी वीडियो आपने देखी होगी अच्छी सी, हमने सोयाबीन में इंटर कल्टीवेशन किया है, मक्का में किया है, यानी जो भी हम खरीफ के अंदर फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर आसानी से वीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम मूंगफली की फसल के अंदर वीड कंट्रोल कर रहे हैं, खरपतवार हटाने का कार्य है। और जो ट्रैक्टर के जो RPM हैं वो 1000 RPM पे इसको हम चला रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम इससे कल्टीवेशन करते हैं, तो इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है ड्राइवर को,
जब हम बाइक से करते थे उसमें थोड़ा थकान आ जाता है। बहुत से भाई कहते हैं कि बाइक एक तरफ खींचता है, हो सकता है इसका सेटिंग अच्छा नहीं हो, बाइक का जो बनाने वाले ने अच्छे से सेट नहीं किया हो। इसमें भी बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, अच्छे से सेटिंग कर जाए हो जाएगा तब अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।